अब तक के क्लिनिकल ट्रायल में शानदार नतीजे देने वाली नोवैक्स की कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। अमेरिकी दवा कंपनी नोवैक्स इंक ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो अपनी संभावित वैक्सीन को बनाने की क्षमता को दोगुनी करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के तहत अब वो कोरोना वैक्सीन की सालाना 2 अरब खुराक तैयार कर लेगी। कंपनी के इस ऐलान से उसके शेयर 7% तक चढ़ गए हैं। नोवैक्स ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 अरब खुराक बढ़ाने की क्षमता हासिल करने के लिए पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार किया। इन खुराकों को कम और मध्यम आय वाले लोगों, देशों और भारत के लोगों के लिए तैयार करने की योजना है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। नोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच करार के विस्तार के तहत अब भारतीय संस्थान वैक्सीन के एंटीजन कंपोनेंट NVX-CoV-2373 का भी निर्माण करेगा। नोवैक्स ने कहा इससे वो 2021 के मध्य तक 2 अरब से ज्यादा खुराक तैयार कर लेगी। नोवैक्स की वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के मिड स्टेज में पहुंच चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजों में ये वैक्सीन बहुत ही असरदार साबित हुई। इसने COVID-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर एंटीबॉडीज पैदा करने में कामयाबी प्राप्त की है। कंपनी ने सितंबर के बाद आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने की योजना बनाई है। पिछले महीने नोवैक्स ने कहा था कि वो 2021 की पहली तिमाही तक ब्रिटेन को वैक्सीन की 6 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।